हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजॉन ब्यूटी हॉल। और इससे पहले भी मैंने 3 से 4 वीडियो डाली हैं ब्यूटी हॉल की, अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेती रहती हूँ जो बहुत ही हमारे लिए स्पेशल होते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो गले का नेकलेस पहना हुआ है, ये जो सेट पहना हुआ है, ये भी मैंने अमेजॉन से ही लिया है और मुझे रीजनेबल रेट पर मिला है। और इसकी जो फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, और इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और हमें तो साड़ी है या कोई ड्रेस हमने पहनी है उसके अकॉर्डिंग मैं ज्वेलरी लेती रहती हूँ और बहुत सारी चीज़ें भी लेती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड, जो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने शेयर किए, वो ज़रूर देख लेना, बट अभी मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं अभी ब्यूटी हॉल में, जो आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। आप देख सकते हो ना, मैं इस तरीके की ज्वेलरी भी लेती रहती हूँ, हैवी ज्वेलरी भी लेती हूँ, लाइट ज्वेलरी भी लेती हूँ, मतलब ड्रेस के अकॉर्डिंग लेती हूँ। और ये बॉक्स तो आपने देख लिया, बट इनमें क्या क्या है ये फर्स्ट ज्वेलरी मेरी छोटे से बॉक्स में है और मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या मैंने लिया है। देखिए, एक अब एयरिंग्स लिए हैं, देवदास एयरिंग्स, मुझे काफ़ी दिनों से लेना था, बहुत पसंद आते हैं देवदास एयरिंग्स, क्योंकि जो उनकी लड़ियाँ जो यहाँ से और यहाँ जाती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो मार्केट से लिए थे ना, तो वो काफ़ी छोटे भी मिले थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, वो ख़राब भी हो गए, बट ये मैंने अमेजोन से लिए हैं। ही खूबसूरत लगते हैं यहाँ पर आने के बाद। मैं साड़ी ड्रैपिंग की जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें आपको पहन के दिखाऊंगी, इस तरीके से इसका लुक आता है, बहुत प्यारा लगता है। साथ में मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की ज्वेलरी लगती है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। और इसमें आपको और भी डिज़ाइन मिल जाते हैं, अगर आपको और भी डिज़ाइन चाहिए तो एक ही डिज़ाइन नहीं है, बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, आपको मैं लिंक शेयर कर दूँ कि आप चेक कर लेना। इस तरीके की ज्वेलरी है, साड़ी के ऊपर बहुत अच्छी लगने वाली है, अगर आपने कोई गाउन पहना हुआ है ओनली आप इयररिंग्स भी पहन सकते हो, इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी ले सकते हो, लिंक शेयर कर दूंगी, आप चेक। नेक्स्ट ज्वेलरी मेरी सुखी की है और इसमें मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है। सुखी से मैंने बहुत सारी ज्वेलरी इससे पहले भी ली हैं और इस बार मैंने लिया है ये ब्रेसलेट लिए हैं, इस तरीके की ब्रेसलेट हैं। चाहे तो मैं इसको एक भी पहन सकती हूँ, एक हाथ में भी पहन सकती हूँ और एक हाथ में मैं चूड़ियाँ डाल सकती हूँ। चाहे तो हम जो गाउन पहनते हैं उस पर भी पहन सकते हैं, कुर्ती के ऊपर भी पहन सकते हैं, साड़ी के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं, ड्रेस के अकॉर्डिंग आप पहन सकते हैं, दो भी पहन सकते हैं, सिंगल भी पहन सकते हैं। तो ब्रेसलेट की बात करें तो ब्रेसलेट भी काफ़ी खूबसूरत है और इसकी क्वालिटी वाइज A1 है, बहुत अच्छी लगी। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है तो काफी अच्छे से आपके हाथ में ये चला जाएगा, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और इसके डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। नेक्स्ट मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ क्या चीज है। इस तरीके का एक मैंने क्लच लिया है, इस तरीके का गोल्डन कलर है, आप यहाँ पर देख सकते हो गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर इसीलिए लिया है, सारी ड्रेसेस पे ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें इस तरीके का आपको चैन भी मिल जाती है, इस तरीके की आपको चैन भी मिल जाती है, तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको हैंग नहीं करना है तो इसको निकाल कर आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, तो बहुत ही अच्छा ये क्लच है, गोल्डन कलर में है। आपको और भी कलर मिल जाएंगे, ब्लैक कलर में भी आपको मिल जाएगा, गोल्डन कलर भी, मतलब जिस कलर का चाहो वैसा ले सकते हो, बट मैंने अभी गोल्डन कलर लिया है, इस तरीके का है। तो क्लच की बात करें बहुत अच्छा है और इसकी शाइन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी, सिंपल सोबर इसकी शाइन है, बहुत ही अच्छा है, भड़कीला बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस तरीके से हम क्लच ले सकते हैं, बहुत प्यारा लगने वाला है, आप ड्रेस के साथ ले सकते हो, साड़ी के साथ ले सकते हो, आपको जिसके साथ लेना हो इसको पेयर अप कर सकते हो। तो क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है, मेरी सुखी की है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुखी की ज्वेलरी मैंने काफी ले रखी है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इनके पास काफी अच्छी ज्वेलरीज मिलती हैं। इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये कॉम्बो सेट लिया है मैंने, इस तरीके का ये कॉम्बो सेट लिया है मैंने,
कॉम्बो सेट में मुझे क्या मिला है, इस तरीके का एक पतला सा नेकलेस मिला है। ये देख सकते हो इस तरीके का इसका डिजाइन है, सिंपल सोबर है। अगर आप सिंपल सा नेकलेस पहनना चाहते हो तो ऐसा कुछ चूज कर सकते हो अपने लिए। इयररिंग्स की बात करें तो इयररिंग्स भी काफी अच्छे हैं, पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिजाइन है, गले में जाने के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है। सेकेंड ज्वेलरी मेरी ये है जो कॉम्बो सेट में मुझे मैंने ली है। कॉम्बो सेट में मैंने जैसे कि आपको बताया तीन ज्वेलरी मुझे मिली है और तीनों के डिजाइन ऑसम है। इसका भी डिजाइन आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना। और इसके इयररिंग्स की बात करें तो इयररिंग्स भी काफी अच्छे हैं। जैसे काफी लेडीज जो है पतली ज्वेलरी पहनती है और सभी ओकेजन पर हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी जाती है, तो इस तरीके की आप ज्वेलरी भी अपने लिए चूज कर सकते हो। और ये कॉम्बो सेट है, कॉम्बो सेट में भी आपको काफी प्यारे प्यारे डिजाइन मिल रहे हैं। साथ में आपको पिक्चर में दिखाती जा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दो ज्वेलरी तो मेरी थोड़ी लाइट ज्वेलरी थी, बट ये थोड़ी हैवी ज्वेलरी है, कॉम्बो सेट में ही है ये, गले में आके काफी खूबसूरत लगता है। और इसके साथ जो इयररिंग्स मिले हैं, इयररिंग्स की बात करें तो इयररिंग्स भी बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों जो नेकलेस हैं, तीनों के इयररिंग्स भी बहुत प्यारे हैं एंड इनके जो नेकलेस की जो डिजाइन है वो भी बहुत प्यारे, तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे डिजाइन है ये। अगर आप कॉम्बो सेट लेना चाहते हैं जिसमें लाइट ज्वेलरी भी मिलेगी आपको और एक हैवी ज्वेलरी भी मिलेगी और दो लाइट ज्वेलरी मिलती है और तीनों के डिजाइन बहुत ही प्यारे और ऑसम है, साथ ही साथ जो इयररिंग्स है ना वो भी बहुत प्यारे हैं, तो आप ले सकते हैं, अपने लिए चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सारे डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है आप इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे इसमें है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है, मैंने राजस्थानी चूड़े मंगाए हैं इस तरीके के, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे डिजाइन। और मैं थोड़ा सा साड़ी ड्रैपिंग वगैरह करती हूँ तो कुछ लुक वगैरह भी क्रिएट करती हूँ, जिसके लिए मुझे चूड़ा चाहिए था, तो ये राजस्थानी मैंने चूड़ा अपने लिए मंगाया हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके का चूड़ा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही अब फेस्टिवल आ रहे हैं तो अपने लिए चूज कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे पहन सकते हो। तो इस तरीके का चूड़ा है, मोर इस पर डिजाइन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो आप अपने लिए ये भी चूज कर सकते हो। चूड़ा भी बहुत ही अच्छा है मेरा इसमें है। इसमें मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है, बहुत अच्छी सी चीज है। काफी लोग ना अपने बालों से परेशान है, बाल हल्के हो जाते हैं तो सोचते हैं हमारे बाल अगर हम खुले रखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, अगर हम बालों को फ्री इस तरीके से रखना चाहें तो नहीं रख सकते, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो मुझे लगा कि मैं भी देखती हूँ। मैंने काफी वीडियोस देखी थी, इंस्टाग्राम पर भी देखा हुआ है, ऐसे भी देखा था, तो मुझे लगा मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है। तो इस तरीके के मैंने अपने लिए हेयर मंगाए हैं, इस तरीके से हैं और इसको लगाना बहुत इजी है। और इस तरीके की यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की इसमें क्लच दिए हुए हैं, तो आधे बालों को ऊपर करके इसकी वीडियो डालूंगी, स्पेशल वीडियो डालूंगी, आपको समझ में आएगा किस तरीके से लगाना है। और मैंने अपने बालों से मैच करता हुआ लिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बाल, आपको कैसा हेयर लेना है, कैसे बाल लेने हैं, आपको क्या करना है, जैसे कि आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कलर किया हुआ है ब्राउन कलर, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन दोनों मिक्स है, तो मैंने इसी तरीके से हेयर लिए हैं। अगर आपको आपके बाल काले हैं तो आप काले ले सकते हो, नहीं तो इस तरीके की ब्राउन कलर की हेयर्स भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इससे क्या होता है ना, आपके बाल जो हैवी हो जाते हैं, अच्छे दिखते हैं, आप फ्री हेयर कर सकते हो, फ्री स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसकी स्पेशल से एक वीडियो डालूंगी कि किस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो, बट ये बहुत ही अच्छा है, आप वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी की आने वाली है कि किस तरीके से आपको यूज करना है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ बालों की लेंथ देख सकते हो, बालों की लेंथ भी काफी अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने तो ट्राई करके देखा, मुझे अच्छा लगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप बालों में किस तरीके से लगा सकते। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट मेरा इसमें है, तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। और जिस तरीके की ये मैंने ज्वेलरी पहनी है ना, अच्छी लग रही है ना, इसी तरीके की मैंने एक और ज्वेलरी ली है, काफी थोड़ी सी हैवी है, शादियों का सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, तो मुझे लगा कि इस तरीके की एक ज्वेलरी मुझे लेनी है। और इसके जो ना मांग टीका से लेकर मुझे गले के सेट तक बहुत ही अच्छा लगा, जितने भी अभी तक मैंने ज्वेलरी ली है ना, सबकी जो है सब कुछ अच्छा लगा मुझे, मांग टीका, इयररिंग, सब कुछ अच्छा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो गले का सेट है इस तरीके का है, गले में अगर बहुत प्यारा लगता है इस तरीके से।
और इसकी बात करें तो इसमें ना क्या है, झुमकियां दी हुई हैं, झुमकियां भी बहुत प्यारी लग रही हैं इस तरीके से। झुमकियां आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ओनली झुमकियां भी पहन सकते, कोई ड्रेस आपने पहनी है या कुर्ती पहनी है तो उस पर ओनली झुमकी भी पहन सकते हो इस तरीके से, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। लॉन्ग टीका कुछ इस तरीके से है, बहुत प्यारा लगने वाला है इस तरीके से। इसको भी पहन के मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, आपको जरूर दिखाऊंगी किस तरीके से, तो किस तरीके से ज्वेलरी लग रही है, ज्वेलरी और गले का सेट आप नेकलेस देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपका नेक थोड़ा सा पतला भी है तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। इसके अंदर तार, जैसे कि एक सेट मैंने पहले भी लिया था उसमें भी यहाँ पर तार लगे हुए थे, आप अपने गले के अकॉर्डिंग, नेक के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा फैला सकते हो, थोड़ा सा अंदर इस तरीके से कर सकते हो, तो ये इस तरीके से आपके नेक के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो गले में सेट हो जाता है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, बहुत प्यारा है। करवा चौथ के दिन मैं पहनने वाली हूँ, करवा चौथ के दिन मैं क्या नेकलेस पहनने वाली हूँ मैं जरूर आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। और इस तरीके की ज्वेलरी है, बहुत प्यारी है। तो इयररिंग से लेकर के इसका मांग टीका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी प्यारी मैंने ज्वेलरी दी है। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, जैसा मैं पिक्चर में देखती हूँ ना, मुझे उससे और अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी लगती है जब वो हाथ में आती है। तो वीडियो थी मेरी, हॉल वीडियो थी, अगर अच्छे लगे हो तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।